हाँ देखिए, अब जीरो एरर क्या होती है आपकी, ठीक है ना? जीरो एरर किसे कहते हैं? ध्यान से सुनेंगे जो सुन रहे हैं, एकदम बिल्कुल इंटैक्ट रह के, बिल्कुल ताकत लगा के अपनी, कि एक बार में दिमाग में छप जाए जीरो एरर। देखो, अगर आपका जीरो और वही आपका दोनों, आपने जो शुरू वाली चीजें हैं उनको एक दूसरे से मैच करा दिया इसके, ठीक है ना? ये जो है इसके एनविल और स्पेंडल दोनों आपने एक दूसरे से बिल्कुल ज्वाइन कर दिए, और तब आपका अगर ये सिचुएशन नहीं है, समझ रहे ना बेटा, ये जो एनविल और स्पिंडल है आपने इन दोनों को मैच करा दिया, बीच में कुछ नहीं है, मतलब दोनों एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, तो रीडिंग जीरो आनी चाहिए। तभी तो आप फिर स्क्रू को कितना घुमा रहे हैं वो रीड कर पाएंगे, ठीक है? तो कैसे आनी चाहिए, अगर इसमें जीरो एरर नहीं होती है माइक्रोमीटर में, तो ये सिचुएशन होनी चाहिए, ये जीरो और ये जो सर्कुलर का बिल्कुल कोइंसाइड करना चाहिए, जीरो इस लाइन से, और यहाँ जीरो ही दिखना चाहिए, ठीक है? बट अगर जीरो एरर है, ये तो नो जीरो एरर का केस हो गया, मतलब अगर आपका ये जीरो इससे कुछ नीचे दिखाई देता है आपको, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज कुछ घुमा हुआ है ना बेटा, समझ रहे हैं स्क्रू को घुमाने का मतलब? ये जीरो ऐसे दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? ऑलरेडी कुछ रीडिंग है उसमें, वो रस्ट लग गई या जो भी लग गया उसमें, ठीक है ना? यहाँ पर कुछ आप लगा दोगे इसमें, देखो आप एक बार ध्यान से, मान लो यहाँ पर रस्ट लग गई आपकी, कहाँ गया है? कहाँ दिख रहा था स्पिंडल? यहाँ दिख रहा है, मान लो इस पे रस लग गई या कुछ लग गया, और किसी ने कुछ लगा दिया आपके लैब में जो आपका दुश्मन था उसे, ठीक है? तो फिर आपने अगर जीरो एरर बिना चेक किए रीडिंग निकाल दी तो गलत आई, क्योंकि अब आप इसको मिक्स कराओगे तो पहले से कुछ मटेरियल है ना, ठीक है? तो ये क्या है, पॉजिटिव जीरो एरर। और दूसरी क्या हो सकती है, मान लो आपका ये घिस गया, ठीक है, यूज करते करते आपका ये एनविल घिस गया, तो फिर वो कुछ आगे जाएगा, ठीक है? तो आपका जीरो कुछ घुमाने पर इस जीरो लाइन से कुछ आगे निकल जाएगा, क्योंकि क्लॉक वाइज ज्यादा घुमा हुआ होगा। ये देखो, ये आपकी पॉजिटिव जीरो एरर, ये जीरो तो कुछ आगे निकला हुआ है, तो ये नेगेटिव जीरो है, ठीक है? अब तो रीड कैसे करोगे, बहुत आसान है रीड करना। देखो आप, ये कोई जीरो एरर नहीं है। अब यहाँ पर मान लो इस तरह की है, जीरो कुछ पीछे रह गया, तो ऐसे ही बोलेगा बेटा, ये लैंग्वेज ध्यान से समझनी, ठीक है ना? जीरो साइटली विजिबल है, ठीक है ना? जीरो जीरो लिख दे, कम्प्लीटली विजिबल है, तो जीरो कम्प्लीटली विजिबल है, और तब इसका सेकंड डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो जीरो कम्प्लीटली विजिबल का मतलब यही होगी पॉजिटिव जीरो है, और जीरो बहुत थोड़ा सा दिख रहा है, मतलब जीरो भी कुछ छुप गया, मतलब कुछ आगे बढ़ा हुआ है, साइड बढ़ा हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पर कितनी जीरो एरर होगी? अब पॉजिटिव जीरो एरर तो वहां भी बहुत आसानी से निकल जाती थी, यहाँ भी बहुत आसान है, सिर्फ रीड कर लो उसको, तो उतनी ऑलरेडी रीडिंग भरी हुई है ना, रीड करना तो आता है। कितना? मेन स्केल रीडिंग प्लस डिवीजन दैट कोइंसाइड विद द मेन स्केल सेकंड डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट, तो कितना हो गया? जीरो, मान लो लीस्ट काउंट थी इसकी कितनी थी, 0.01 mm थी, तो 2 × 0.01 इक्वल टू 0.02 mm इसकी पॉजिटिव जीरो एरर हो जाएगी, ठीक है? और मान लो इस तरह से निकला हुआ है, कुछ आगे निकला हुआ है जीरो, बोला कि जीरो बहुत ही रेयरली विजिबल है, तो इसका मतलब वो बिल्कुल आपसे किसकी बात कर रहा होगा, नेगेटिव जीरो एरर की बात कर रहा होगा, और 47th डिवीजन को इनसाइड कर रहा है, तो आप इसको 47 × लीस्ट काउंट नहीं करेंगे, इस बात को आपको समझना ही होगा, ठीक है ना? ये कितना आगे बढ़ा हुआ है, जीरो को एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो वापस इधर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ? जीरो को थोड़ा एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे स्क्रू को, तो ये जीरो वापस यहाँ आ जाएगा, तो अभी कितना आगे यस बढ़ा हुआ है, 3 डिवीजन ही तो आगे बढ़ा हुआ है बेटा, 1 2 3, आ रही है बात समझ में? कहीं इसको ऐसे तो नहीं कर दोगे -47 × लीस्ट काउंट, तो गलत हो गया, इतनी थोड़ी है जीरो एरर होती, ठीक है? आपने जरा सा 3 डिवीजन इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा तो मैच कर जाएगा, तो आगे कितना निकला हुआ है, 3 डिवीजन के बराबर जितना आगे बढ़ता है वही तो निकला हुआ है, ठीक है? तो कितनी नेगेटिव जीरो एरर होगी इसमें, -3 × 1 डिवीजन कितना होता है, 0.01 mm, तो कितना आ गया, -0.03 mm आ जाएगा। क्लियर है बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में जीरो एरर ही इंपॉर्टेंट है, मीन्स वाला तो बहुत पूछता है जीरो एरर्स के ऊपर, गलत नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल होता है, ठीक है? 1 2 कितना, 2 × सिंगल डिवीजन, सिंगल डिवीजन सर्कुलर स्केल का वही, पिच डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, तो कितना आ गया, 2 × 0.01 इज इक्वल टू 0.02 mm आ गया। इसमें बताओ कोई गलती किसी की, ये बात क्लियर है सबको, ठीक है? अब इसमें देखो, इसमें कितना, एक डिवीजन कितना होता है, कुछ भी हो सकता है बेटा, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन, सीधा फंडा एक डिवीजन का या लीस्ट काउंट का स्क्रू गेज, ठीक है? कितना आया, 1 2 3, नहीं कहाँ गया मैं,
हाँ जीरो यहाँ पर आता ना, कितना जीरो आ गया, 3 डिवीजन, तो 3 इंटू लीस्ट काउंट 0.01, 0.03, फिर से नेगेटिव लगा दो, ये नेगेटिव जीरो एरर है। और फिर आपको बताइए कि रीडिंग में क्या करेंगे, हमेशा जीरो एरर को ट्रैक नेगेटिव माइनस करेंगे माइनस पर, ठीक है। लीस्ट काउंट नहीं गिवन होगा ना। ना, आपको लीस्ट काउंट गिवन नहीं होगा, नंबर ऐसे डायग्राम गिवन होंगे या फिर कुछ लैंग्वेज में लिखा होगा, जैसा भी आप देखने वाले, ठीक है। तो आपको लीस्ट काउंट लिखना होगा और फिर लीस्ट काउंट अपने आप देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव लगा के, और फाइनल जो रीडिंग है उसमें से आप जीरो एरर को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। उसमें से आप जीरो एरर को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। भावी क्लियर है आपको, दिक्कत तो नहीं है इसमें कोई, भावी का आया क्या? अरे भावी की मिसिंग, बताओ नमन आप बताओ, क्लियर यस है? चलिए, तो गलती नहीं करनी है, अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं बस, माइक्रोमीटर से, माइक्रोमीटर भी